Assalamualaikum and hello. I hope you all are doing fine. My name is Muhammad Hamza. I have scored 90th position in CSS 2020 and have been allocated in Inland Revenue Service. जो आज का हमारा ये इंटरेक्टिव सेशन है CSS Architect के प्लेटफॉर्म से, उसका बेसिकली मकसद ये है कि हाउ टू ओवरकम योर फेलियर इन प्रेसिन कम्प्रीहेंशन पेपर एंड हाउ टू मेक इट वन ऑफ द मोस्ट टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट इन कंपेटिटिव एग्जाम्स। तो अभी आज का ये जो हमारा क्योंकि जब से हमारा CSS का रिजल्ट हुआ आया है, काफी क्यूरीज आ रही थी CSS के हवाले से, जनरल क्यूरीज आ रही थी और स्पेसिफिकली इंग्लिश के हवाले से। तो अभी रिसेंटली अभी हमने जो हमारे एसए के हवाले से क्यूरीज थी उसको हमने डिस्कस करने की और उनको हमने आंसर करने की कोशिश की है अभी हमारी रिसेंट ऑरिएंटेशन क्लास के अंदर। अभी हम देखेंगे कि प्रेसी में जो हमारे इश्यूज आ रहे हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो क्यों आ रही है। आज हमने कुछ पढ़ना नहीं है, मैं आपको पहले ये क्लैरिफाई कर देता हूँ। आज सिर्फ हमने अपना रोड मैप डिसाइड करना है। हम इस प्लेटफॉर्म से एक मास्टर क्लास अरेंज करवा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए और उसका हमारा जो मॉडल है वो ये है कि हम मिनिमम स्टूडेंट्स लें और उसमें हम उनके साथ मैक्सिमम इंटरेक्शन करके उनको फैसिलिटेट कर सकें। और मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा ये सेशन होगा ये वीकेंड सेशन होगा, जो बाकी सारी डिटेल्स हैं वो आपको आप इस प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि जो प्रेसी है इसमें स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं, क्योंकि इसमें तो स्टूडेंट्स फेल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रेसी के पेपर्स के डायनामिक्स देखें तो उसमें आपको काफी चीजें ऐसी मिलती हैं जिनके पेट मार्क्स होते हैं, आपके इडियम्स के, आपके पेयर वर्ड्स के, आपके वोकैब के, आपके क्रैक्शन ऑफ सेंटेंसेस के, आपकी पंचुएशन के, आपके प्रेपोजिशन के। उसके बावजूद आप लोग प्रेसी के पेपर में फेल क्यों होते हैं, बजाय इसके कि आप इस सब्जेक्ट को अपना वन ऑफ द मोस्ट टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाएं, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं कि आपके ये जो ओवरऑल स्कोर उसमें कंट्रीब्यूट कर सके, आप इसमें फेल क्यों होते हैं। हमने आज सिर्फ इस चीज को देखना है और ये हमारी क्लास थोड़ी शॉर्ट होगी क्योंकि इसमें हमने कुछ ज्यादा चीजें डिस्कस करने वाले नहीं, क्योंकि प्रेसी के पेपर में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है जी। उसमें कुछ आपके बिहाफ पे कुछ फ्लॉज है, हमने वो डिस्कस करने हैं। मैं भी आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर करूंगा तो फिर हम वन बाय वन देखेंगे कि जो आपका प्रेसी का पेपर है उसमें हमारे साथ क्या मसले मसाइल आते हैं। अगर हम 2020 के एग्जाम की एग्जाम्पल लें तो उसमें हम ये देखते हैं कि प्रेसी में आपके 91 मार्क्स आए हैं, आपके 89 आए हैं, आपके 80 आए हैं, 70 आए हैं। तो आप ये देख लें कि प्रेसी में इस इतना पोटेंशियल होता है प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन के पेपर में कि आप 60 प्लस आराम से जा सकते हैं। तो आपने इसको इस पेपर को इस तरह तैयार करना है, या जो लोग हमारे साथ अटैच होंगे हम उसको इस तरह तैयार करेंगे थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू डिस्कशन या थ्रू लेक्चर्स, हम चीजों को इजी बनाने की कोशिश करेंगे और हम इस कोशिश करेंगे कि इसमें हम इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और इसमें ना सिर्फ हम पास हों बल्कि हम अच्छा स्कोर गेन कर लें। तो प्रेसी के पेपर में सबसे दो चीजें मेन होती हैं। सबसे पहले तो आपने तैयार कहां से करना है, आपने अपने सोर्स डेटा पिन करने होते हैं। नंबर टू पे आपने सारी डिमेंशंस को कवर करना होता है। आपने ये नहीं देखना होता कि लास्ट ईयर उन्होंने ये चीज दी थी तो हमने ये कवर नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल अगर 2021 में पेवर्ड्स नहीं आए लेकिन पेवर्ड्स हमारे सिलेबस का हिस्सा, हमने फिर भी तैयार करने हैं। 2022 के लिए इस तरह नहीं होगा कि हमने पेवर्ड्स 20 उसमें हमें नहीं आए या हमें उसमें ईडियम्स नहीं आए 2021 में। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमने सारी चीजें तैयार करनी है। जैसे एनोलॉजी का आपका क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने एनोलॉजी वाला पोर्शन तैयार नहीं करना, हमने वो भी तैयार करना है। ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं और फायदा दे जाती है, हमें वो कैप के हवाले से भी चीजें फायदा दे जाती है। तो हमने ये एक रोड मैप देखना है कि हम हमारी जो प्रेसी की या कंप्रीहेंशन की जो हमारी मास्टर क्लास होगी उसमें हम उसको किस तरह लेके चलेंगे। नंबर वन, नंबर टू पे फिर आपकी एंड पे कुछ जो जनरल क्यूरीज होंगी सीएसएस के हवाले से और पर्टिकुलर आपकी जो इंग्लिश के हवाले से क्यूरीज होगी, हम उनको थोड़ा सा डिस्कस करने की उनको आंसर आउट करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है जी। मैं अभी आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूं। एडमिन मुझे काइंडली बता दें कि स्लाइड शेयर हो रही है। चलें जी,
एंड कम्प्रीहेंशन के पेपर के हवाले से हमने जो पास पेपर्स में से और जो हमारे सिलेबस के हवाले से हमने एरियाज डिफाइन किए हैं वो 10 एरियाज है, 10 एरियाज। हम उनको वन बाय वन देखते हैं वो कौन कौन से एरियाज हैं, और आपने ये नहीं देखना कि इसमें से कौन सा एरिया हमारे सिलेबस में नहीं है, कौन सा एरिया हमें पिछले साल पेपर में नहीं आया था। आपने ये सारे के सारे एरिया को आपने इनको तैयार करना है, ठीक है जी। अब मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि प्रेसी और कंप्रीहेंशन के पेपर में बजाय इससे कि आप टॉप स्कोर लें, आप फेल क्यों होते हैं, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है। आई होप कि आपके साथ स्लाइड शेयर हो रही होंगी सबके साथ। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि उसका जो एक हेड है प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन, आप पूरा का पूरा साल इसके ऊपर लगा देते हैं। आप प्रेसी लिख के दिखा रहे हैं, आप कंप्रीहेंशन लिख के दिखा रहे हैं, पूरा का पूरा साल आप कोई और काम नहीं करते प्रेसी कंप्रीहेंशन के पेपर का। आप कैप तैयार नहीं करते, आप ईडीएम्स तैयार नहीं करते, आप पेवर्स तैयार नहीं करते, आप डेट इंडेक्स को नहीं देखते, आप प्रेपोजिशन को नहीं देखते, आप ट्रांसलेशन को नहीं देखते, ठीक है जी, आप पंचुएशन को नहीं देखते। कुछ चीजें ऐसी हैं हमें जिनको लेके अभी भी हमारे जहन में कुछ मिसकंसेप्शन है जिनको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। सीएसएस के हवाले से या किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के हवाले से मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं। मुकाबले के इम्तिहान का मतलब है कि आपका मुकाबला ऐसे ऐसे लोगों से हो सकता है जिनकी बड़ी स्ट्रगल एफर्ट है, आपने उनको कंपीट करना है, ठीक है जी। तो आपने किसी भी चीज को हल्का नहीं लेना, ये नहीं कहा कि आसान है ये हो जाएगी। लाइक प्रेपोजिशन है आपकी, आप इस तरह नहीं करेंगे जी ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये तो पेपर में हो जाएगी, इसकी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। वो कैप के हम तुक्के लगा लेंगे, इसकी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ट्रांसलेशन तो कौन सा हमें वो आनी जो हमने की होनी है, हो जाएगी ट्रांसलेशन। ये अप्रोच बहुत गलत है अप्रोच। आपकी प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन के पेपर में कम स्कोर आने की वजह और आपके फेल होने की कोई दूसरी वजह नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ वन रीजन है जो मेरा ओपिनियन है इसके ऊपर। आप लोग मुझसे डेविएट कर सकते हैं ओपिनियन में, वो ये है कि आप लोग पूरा का पूरा सिलेबस तैयार नहीं करते, आप इसके ऊपर एफर्ट नहीं करते। लाइक आपके एडियम्स है, आपके पेयर वर्ड्स है, एक मिसकंसेप्शन मिथ ये भी है कि आपके जो पेयर वर्ड्स है आप जितने मर्जी तैयार कर ले, हो सकता है उसमें से एक भी ना आए, तो तैयार ही ना करें। ये बहुत गलत अप्रोच है। आप मैक्सिमम तैयार कर दें, बाकी आप छोड़ दें एग्जामिनर पे। अगर तो आपका उसमें से कोई ना कोई एडियम आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो वो आपको कहीं ना कहीं और पे फायदा दे जाता है। इन शॉर्ट अगर हम सारी डिबेट को कंक्लूड करें तो हमारी डिबेट ये कंक्लूड होती है कि आपने प्रेस और कंप्रीहेंशन के पेपर में अपने सोर्सेज को सबसे पहले डिटरमिन करना है। उसके बाद स्लाइड्स में जो आपको 10 एरियाज शो हो रहे हैं, 5 ये हैं और 5 आगे हैं ये वाले, आपने इन सब को सेपरेट सेपरेट तैयार करना है। आपने इनमें से कोई एरिया भी नहीं छोड़ना, प्रैक्टिस करनी है, इनको तैयार करना है। और आपकी प्रेस एंड कंप्रीहेंशन के पेपर में 70-80% क्रैमिंग है, आपकी वोकैब क्रैमिंग है, आपकी ईडियम्स क्रैमिंग है, आपके पेयर वर्ड्स क्रैमिंग है, कुछ ग्रामर के रूल्स आपको क्रैम करने पड़ते हैं, तो आपकी बहुत ज्यादा क्रैमिंग है प्रेस एंड कंप्रीहेंशन के पेपर के अंदर। और ये चीजें आपस में इंटरलिंक कर रही होती है। लाइक अगर आप एनोलॉजी पढ़े होते हैं पोर्शन, आप पेयर वर्ड्स पढ़े होते हैं, आप वोकैब पढ़े होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको एक दूसरे में हेल्प आउट कर रही होती है। क्योंकि जो कि आपने जो पेयर वर्ड्स में आपने वर्ड्स मीनिंग पढ़े होते हैं वो आपको वोकैब में हेल्प आउट कर जाते हैं, जो वोकैब में पढ़े होते हैं वो आपको पेयर वर्ड्स में कर जाते हैं, और ये चीजें जो वोकैब आपकी होती है वो आपको आपकी प्रेस एंड कंप्रीहेंशन में भी हेल्प करती है, वो आपको आपकी ट्रांसलेशन में भी हेल्प आउट करती है। जितना आपका वोकैब का डाटा बैंक ज्यादा होगा उतना एफिशिएंटली आप पेपर पे हैंडल कर सकते हैं प्रेस एंड कंप्रीहेंशन के। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई कंप्रीहेंशन आई है, कोई प्रेस आई है, उसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड आ गया है जिसकी आपको सेंस क्लियर नहीं हो रही, तो आप उसके ऊपर प्रेस या कंप्रीहेंशन किस तरह करेंगे? अगर आपको जो आपकी प्रेस या कंप्रीहेंशन का मेन थीम, मेन आइडिया ही समझ नहीं आ रहा वोकैब की वजह से, आपकी वोकैब बहुत ज्यादा पुअर है, तो आप उसको किस तरह टैकल करेंगे? पॉसिबल नहीं है। तो आपने वोकैब को भी तैयार करना है। ये अप्रोच नहीं करनी कि 20 मार्क्स की वोकैब है तुक्के लगा लेंगे, इट्स वेरी रॉन्ग अप्रोच। आपने इसको बिल्कुल भी इस अप्रोच को नहीं लेके चलना। आपने किसी भी चीज को आसान नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना, आपने सब पे इक्वल फोकस करना है, मेहनत करनी है, बाकी फिर आप अपने लक पे छोड़ दें, अल्लाह ताला पे छोड़ दें। लेकिन जो बंदे मेहनत करते हैं वो रहते नहीं। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 के 10 एरियाज किए हुए, आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, आपकी तैयारी इस काबिल है कि आपकी तैयारी 80 मार्क्स वाली है, तो अगर एग्जामिनर आपके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती भी करता है, जिससे उसने 2021 में करने की कोशिश की है कि पेपर बहुत टफ दे देता है, फिर भी कम से कम आप प्रेसी के पेपर को पास तो कर जाएंगे,
उनसे तो फिर भी आप बेहतर हैं कि जो लोग प्रेसी के पेपर में फेल हो गए, चाहे आपके उसमें मार्क्स कम आ गए, तो ज्यादा तैयारी करने का आपको कभी भी नुकसान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर ज्यादा आप तैयारी करते हैं तो कभी पेपर टफ भी आ जाता है, तो आपको वो हेल्प आउट कर दे, कम से कम आपको आपकी तैयारी पास करवा जाती है। ठीक है जी, तो आपने अब हमने कौन कौन से एग्जाम्स को कवर करना है जी, हमने वो कैप को कवर करना है। ये जो चीजें हैं ये हम अपने लेक्चर्स में इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमने इन इन एरियाज को कहां कहां से तैयार करना है। हर एरिया को तैयार करने का एक सोर्स है, रेलिवेंट सोर्स। हमने ऐसे ही अंधे कुएं में छलांग नहीं लगा देनी, हमने अपने सोर्सेस को डिटरमिन करके टू द पॉइंट तैयारी करनी इनकी। जो चीजें मेमोराइज करने वाली हमने उनको मेमोराइज करना है, जो चीजें प्रैक्टिस करने वाली हमने उनको प्रैक्टिस करना है, और हमने हर चीज को इक्वल वेटेज देना है। हम जो प्रेस की कंप्रीहेंशन को वेटेज दे रहे हैं वही हमने वेटेज किसको देना है, वो कैप को देना है। वही वेटेज हमने किसको देना है, पेयर वर्ड्स को देना है। वही वेटेज हमने किसको देना है, आपके इडियम्स को देना है। स्टार्ट में जब आप पेयर वर्ड्स वगैरह तैयार कर रहे होंगे, इडियम्स वगैरह तैयार कर रहे होंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी। आप एक दफा एक पेज याद करेंगे, नेक्स्ट डे हो सकता है आपको भूल जाए। तो उसका हल क्या है, उसका हल ये कि आपको बार बार पढ़े। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, क्रीम दास चुगताई की जो बुक है प्रेस एंड कंप्रीहेंशन, इट्स वेरी गुड बुक, उसमें आपके जो इडियम्स दिए हुए हैं वो 953 ऑलमोस्ट दिए हुए अप्रोक्सीमेटली, मैंने काउंट किए थे। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने जब उनको स्टार्ट करना शुरू किया तो मैं एक पेज पढ़ता था, जब दूसरा पढ़ रहा होता तो पीछे से मुझे पहला पेज भूल जाता था। उसका अल्टीमेटली हल क्या निकाला, उसका अल्टीमेटली हल ये निकाला कि उसको इतनी दफा पढ़ो कि आपको भूले ना। तो फिर जब मैं, फिर हमने एक ऐसी एक्सरसाइज स्टार्ट की कि जब मैं सेकंड पेज पढ़ रहा हूं मैं वन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तो पेपर्स के नजदीक आके एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि मैं 2 घंटों के अंदर या 2.5 घंटों के अंदर वो मैं 953 के 3 इडियम्स को जुबानी में उसको उसकी मैं रिवीजन कर लेता हूं। ठीक है जी, हम इस सारी टेक्निक्स को देखेंगे, हम इन सारी जो डिमेंशन उनको देखेंगे, हम इनके सोर्सेस को देखेंगे, हमने कहां कहां से चीजें करनी है। पहले मैं इस ओरिएंटेशन क्लास में मैं आपको इतना बता देता हूं कि आपने क्या क्या तैयार करना है। इसमें से कुछ चीजें ऐसी जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, जैसे ड्रेट इन ड्रेट है, लेकिन एग्जामिनर फिर भी वो आपको दे रहा है तो आपने वो तैयार करना है। एनोलॉजी हमारे सिलेबस का हिस्सा है, एग्जामिनर 3-4 साल से नहीं दे रहा, लेकिन आपने फिर भी तैयार करना है, आपने कोई भी चीज छोड़ी नहीं है, और हर चीज को अच्छे तरीके से तैयार करना है। हमने वो कैप तैयार करनी है, फिर हमने इसमें प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन के रूल्स को देखना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपके साथ स्क्रीन पे चीजें, आई होप के आपके साथ स्क्रीन पे सारा डाटा शेयर हो रहा होगा। उसके बाद हमने प्रोडक्शन को देखना है जी, 10 मार्क्स की आपकी प्रश्न आती है, आपके पैट मार्क्स हैं। हमने ईडीएम्स को देखना है, अगर आपने अच्छे ईडीएम्स तैयार किए हो इसमें भी आपके पैट मार्क्स हैं, आप इसमें कंप्लीट नंबर ले सकते हैं। हमने प्योर वर्ड्स को तैयार करना है जी, प्योर वर्ड्स आपको वोकैब में भी हेल्प आउट करेंगे। ठीक है जी, और प्योर वर्ड्स के हवाले से भी मुझे वो बुक अच्छी लगी थी, क्रीम द चुगताई की, उसमें तकरीबन 750 अराउंड आपके प्योर वर्ड्स दिए हुए हैं। आप उनको तैयार करेंगे तो आपको वो आपकी वोकैब के पेपर में भी हेल्प आउट करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमने पंक्चुएशन मार्क्स को देखना है जी। और मैं आपको इन चीजों के हवाले से एक और चीज बता दूं, वो चीज ये है कि जब हम प्रेस एंड कंप्रीहेंशन का पेपर तैयार कर रहे होते हैं ना, तो जो हम ग्रामेटिकली इतना डीप जाके पढ़ रहे होते हैं, जो टेक्निकल टर्म्स को देख रहे होते हैं, मुझे लगता है कि सारी की सारी जो हमारी एक्टिविटी यूजलेस है। हमने सिर्फ उन रूल्स को पढ़ना होता है, हमने सिर्फ उन चीजों को समझना होता है, हमने सिर्फ उन चीजों के सेंस को क्लियर करना होता है जो हमें पेपर में हेल्प आउट कर सकती है, जो हमारे पेपर के हवाले से रेलिवेंट है। हमने हर चीज को इतना डीप जाके नहीं पढ़ना। उससे होता क्या, उससे होता है कि जब आप किसी एक चीज में, जैसे आप ग्रामेटिकल रूल्स में इतना डीप घुस जाते तो आपका जो बाकी एरियाज होते हैं आप उनको कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं, आप उनको नहीं पढ़ रहे होते, आप सिर्फ एक ही एरिया के ऊपर अपना सारा एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं, और वो आपसे एरिया इतनी एनर्जी वेस्ट करना रिक्वायर्ड नहीं करता, लेकिन मिस डायरेक्शन की वजह से, गाइडेंस ना होने की वजह से हम उन चीजों को कर रहे होते हैं। और ये कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि सारी चीजें हमने भी फेस की है। ठीक है जी, अब पंक्चुएशन मार्क्स वैसे तो काफी ज्यादा है, लेकिन हमने सिर्फ वो पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ने हैं। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि जो हमारे पेपर प्रेसी और कंप्रीहेंशन के हवाले से रेलिवेंट है, हमने सारे पंक्चुएशन मार्क्स नहीं पढ़ने। तो इन शॉर्ट अगर हम इसको प्रिसाइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमने सिर्फ वो चीजें पढ़नी है जो हमें पेपर में हेल्प आउट कर सकती है, जो हमारे पेपर में रेलिवेंट है, जो नहीं है उसमें हमने अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। हमने डेट को देखना है, फिर हमने ट्रांसलेशन को देखना है कि ट्रांसलेशन को करने के लिए हमारे जिम्मे क्या क्या बातें होनी चाहिए, और ट्रांसलेशन में भी आपकी वोकैब आपको बहुत हेल्प आउट करती है। ठीक है जी, देन हमने प्रेपोजिशन को देखना है। प्रेपोजिशन हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन वो दे रहे हैं प्रेपोजिशन आपको 2-3 सालों से, अगर आप उसके पास पेपर्स को उठा के देखें
प्रेसेंट कंप्रिहेंशन के पेपर्स को, तो आपको उसमें प्रेपोजिशन आ रही होगी, ठीक है जी। और टेंथ पे हमारा जो पार्ट है वो एनालॉजी ऑफ वर्ड्स है। आपको ऊपर वर्ड दिए होते हैं टू वर्ड्स, उनके दरमियान एक रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, और नीचे फोर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, दो दो टू टू वर्ड्स होते हैं कॉम्बिनेशन में आते हैं, उनके दरमियान भी रिलेशन होता है। जो ऊपर वाले वर्ड्स के दरमियान रिलेशन होता है उसके हिसाब से हमने नीचे डिटरमिन करना होता है कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो हम उसको भी देखेंगे। हमारा अब इसका रोड मैप क्या होगा, रोड मैप ये होगा कि हमने 10 एरियाज को कवर करना है। इसमें से कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, हम पढ़ेंगे उनको डिटेल में, कुछ चीजें मैं आपके डिस्पोजल पे छोड़ दूंगा, आपको मैं सोर्सेज बता दूंगा, आपने उनको वहां से तैयार करना है। जैसे वोकैब में आपको तैयार नहीं करवा सकता, ईडियम में आपको तैयार नहीं करवा सकता, पेयर वर्ड्स में आपको तैयार नहीं करवा सकता, ठीक है जी। एनालॉजी ऑफ वर्ड्स के मैं आपको रूल्स वगैरह सारी चीजें बता सकता हूँ, मैं आपके जहन में उनको फीड नहीं कर सकता। तो हम इन सारी चीजों के सोर्सेज को इंशाल्लाह डिटरमिन करके और फिर हम इनको पढ़ेंगे, और आपकी जो प्रेसी और कंप्रीहेंशन का पेपर है उसमें आपके फेल होने की सिर्फ यही वजह है कि आप पूरा का पूरा साल अपने प्रेसी और कंप्रीहेंशन चेक करवाने पे लगा देते हैं। जो चीजें आपको सिक्योर कर सकती हैं, आपको फेलियर से बचा सकती हैं, आप उनकी तरफ फोकस ही नहीं करते ये सोच के कि पता नहीं हम अगर हजार इडियम्स भी पढ़ेंगे क्या पता उसमें से आए या ना आए, हम इतने पेवर्ड्स पढ़ेंगे क्या पता उसमें से आए या ना आए, या फिर आपके जिम्मे एक ये मिसकंसेप्शन होती है, एक लेवल ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि आपको लगता है जी कि आप इन चीजों को टैकल कर लेंगे, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है, डिजास्टर। प्रेसी में 38 पे फेल, 39 पे फेल। प्रेसी को तो आपने एज अ स्ट्रेंथ के तौर पर लेना है, इसमें तो आपने मार्क्स गेन करने हैं। स्टार्ट में मैंने आपको एग्जांपल भी दिए कि इस दफा 2020 के अंदर प्रेसी में 91 मार्क्स भी आए। चलिए अगर हम ये कह लें कि 2020 का पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा इजी था, तो अगर एक स्टूडेंट के 91 आए तो अगर मुश्किल भी आए तो उस कम से कम 60 तो ले ही जाएगा। और जब आप सीएसएस पास करेंगे इंशाल्लाह तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि एक एक मार्क्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे दो दो चार चार नंबरों से तीन पोजिशन चेंज हो जाती, ग्रुप चेंज हो जाते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप प्रेसी के पेपर को ना सिर्फ पास होने के लिए पढ़ें, बल्कि इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, अपने इसको वन ऑफ द मोस्ट टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाएं, और आप इसमें मैक्सिमम नंबर गेन करें। और जो ये 10 एरियाज हैं, मैं एडमिन को कह दूंगा कि आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर कर दें, आप इनको कवर करें, और इंशाल्लाह जब हम हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे तो हम इनके सोर्सेज को डिटरमिन करके फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। अभी मैं आप लोगों की कुछ जनरल क्वेरीज को ले लेता हूं। स्लाइड्स वाला काम हमारा खत्म हो गया है। अगर किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन के पेपर के हवाले से, इसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस पेपर में। जैसे टेक्निकलिटीज हैं आपके ऐसे की पेपर की, जब हम उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं, उसकी रेलिवेंसी की बात कर रहे होते हैं, हम टॉपिक की इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे होते हैं, हम टॉपिक्स के डिस्कशन के हवाले से बात कर रहे होते हैं, तो प्रेसी के पेपर में इस तरह की हमारी कोई डिबेट नहीं है जिसको हम प्रोलॉन्ग कर सकें। इसमें सिंपल सी चीजें हैं, वो क्या है जी, वो ये है कि जो आपकी चीजें आप उनको सोर्सेज डिटरमिन करके तैयार नहीं करते, जिसकी वजह से आपके या तो नंबर नहीं आते या फिर आप उसमें फेल हो जाते हैं। तो अगर अभी आप में से किसी की कोई जनरल क्यूरीज हैं या प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन के पेपर के हवाले से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आप काइंडली कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर क्यूरीज। और जो लोग ऐसे कि जिन लोगों ने ओरिएंटेशन क्लास नहीं ली, वो आपको इस पेज के ऊपर अपलोडेड फॉर्म में मिल जाएगी। हमने वो 9 बजे वो हमने वो क्लास कंडक्ट करवाई थी एसए के हवाले से, आपको इंशाल्लाह आई होप कि वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है जी। तो आप वहां से गाइडलाइन ले सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, आई विल वेट फॉर 1 मिनट। इफ नो क्वेश्चन कम्स from your side, then we will conclude our class. सॉरी, एक अर्जेंट कॉल आ गई थी। नंबर वन आपका क्वेश्चन ये आया है जी कि मार्जिन ऑफ रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इन प्रेसी, तो हमने वर्ड्स को रिपीट नहीं करना होता,
हमें हम हमारा जो वोकैब आपका अपना जो बैंक है उसको इंक्रीज करने का मकसद यही होता है कि हम सिनोनिम्स तैयार कर सके यूज कर सके पेपर के अंदर। हमने जो सेम वर्ड्स है रेपिटेशन है उसको डिस्करेज किया जाता है वो हमने नहीं करने होते, ठीक है जी। वोकैब को इनहांस करने का जो एक प्रैक्टिकल फिजिकल आपका वे है वो ये है कि आप GAR की जो वर्ड लिस्ट है वो कंप्लीट ना करें, वो सबके लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है उसको कंप्लीट को याद करना और फिर बार बार वर्ड्स को रिपीट करना। आप सिर्फ और सिर्फ उसकी जो 50 एक्सरसाइजेस हैं जिसमें हर एक्सरसाइज में तकरीबन 15 पॉइंट्स दिए हुए हैं आप उनको तैयार करें तो आपकी काफी हद तक जो वोकैब है वो बिल्डअप हो जाएगी। डॉन की ओपिनियन एडिटोरियल्स पढ़ें उसमें से आपकी वोकैब बिल्डअप हो जाएगी, फिर वर्ड्स को तैयार करें उससे आपकी वोकैब बिल्डअप हो जाएगी। तो ये भी है आपके वोकैब को बिल्डअप करने के, ठीक है जी। बुक्स के हवाले से इस वक्त मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है मुझे जो पसंद बुक है वो है कंप्रीहेंशन ऑफ पैसिव की जो बुक है बाय हाफिज करीम दा चुगताई, इट्स अ वेरी गुड बुक, वो आपको बहुत हेल्प आउट कर सकती है, वो ऑलमोस्ट आपके काफी सिलेबस को कवर कर रही है, आप उसको एज अ गुड सोर्स उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। स्लाइड्स मैंने हमने कंक्लूड कर दी है, मैं एडमिन को कहूंगा कि वो आपके साथ स्लाइड शेयर कर दे, लेकिन टाइम लिमिटेशन नहीं होती। जो पैसिव एंड कंप्रीहेंशन का पेपर है आपने इसको डेली बेसिस पे कोई एक घंटा निकाल के पढ़ना होता है एंड तक, आपकी जो अंग्रेजी का पेपर होता है ना पोर्शन ऐसे के हवाले से अगर बात करें तो उसको भी आपने कंटिन्यूस साल लेके चलना होता है, आप उसको वीकेंड्स पे अटेम्प्ट कर लें या आप उसको 2 वीक्स में कैसे अटेम्प्ट कर लें। पैसिव के पेपर को भी आपने डेली बेसिस पे तकरीबन एक घंटा पढ़ना होता है, तो इसके लिए कोई इतना खास हम ये नहीं कह सकते टाइम ड्यूरेशन, तो कोई ये कोई क्राइटेरिया नहीं है इसको डिटर्मिन करने का, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का अपना होता है टेम्परामेंट, कोई चीजें जल्दी कवर कर लेता है, कोई उस पर टाइम लगा देता है, ठीक है जी। देखें थिंक इन इंग्लिश के लिए आपको पहले इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, आप ओपिनियन पढ़ें एडिटोरियल्स पढ़ें डॉन के, आप पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे तो फिर ही आप इंग्लिश में सोच सकेंगे चीजों के ऊपर, ठीक है जी। न्यूज़पेपर पढ़ें आप, स्टार्ट कैसे करें जी, आप जो चीजें क्रैम करने वाली हैं आप उनको क्रैम करें, क्रीम दा चुगताई की बुक ले लें उसके ऊपर से इडियम्स पेयर वर्ड्स को तैयार करें, प्रेसी कंप्रीहेंशन के रूल्स को देख लें, उनको अटेम्प्ट करें, उनकी इवैल्यूएशन करवाएं। देखें जो कीवर्ड्स आपके होते हैं ना पैसी के हवाले से भी उनकी भी हम रेपुटेशन नहीं करते, वो बड़ा मोनोटोनस सा बड़ा बोरिंग सा आपका पैसेज हो जाता है, ठीक है जी। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं इन चीजों की तो आपको इन चीजों की बेहतर समझ आ जाती है कि आपने पैसे के पेपर को किस तरह टैकल करना है, क्या चीजें आपने लिखनी है क्या नहीं लिखनी, और जो आपने चीजें रिपीट होने वाली है आपने उनको किस तरह टैकल करना है। देखें जो सेशन के हवाले से डिटेल्स है वो आपको सारी की सारी आप इनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सीएसआर आर्किटेक्ट वालों के साथ, इनके साथ ये आपको डिटेल में इंशाल्लाह सारा गाइड कर देंगे। देखें शफल को आइडियाज तो आपको अलाउ होते हैं, लेकिन जब आपने आइडिया से शफल करना होता है तो आपने इस तरह शफल करना होता है कि आपके पिछले आइडिया और नए आइडिया के दरमियान में जो एक कनेक्टिविटी है का एलिमेंट है जो एक कंटिन्यूटी है वो टूटे ना। एग्जामिनर को ये फील नहीं होना चाहिए कि पीछे आपने कोई और बात की है आगे आप कोई और बात करें, इवन ऐसे के अंदर भी अपने आइडियाज में शिफ्ट होते हैं, लेकिन हमने उसको इस तरह टैकल किया होता है कि हमारे आइडियाज के दरमियान जो कनेक्टिविटी का एलिमेंट होता है वो टूट नहीं रहा होता। तो जब एक जनरल रीडर उसको पढ़ रहा होता है तो उसको यही लग रहा होता है कि जैसे वो किसी एक थीम को लेकर चल रहा है, तो आप बिल्कुल शफल कर सकते हैं लेकिन आपने उसमें उसकी कनेक्टिविटी का यूनिटी का ख्याल करना होता है। देखिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के ऐसे के हवाले से ये अभी पॉसिबल नहीं है मैं आपको डिटेल में बता सकूं, क्योंकि इसको जैसे कि इंट्रो को स्टार्ट करने के ऐसे कोई 5 different ways हैं, लेकिन बेसिक लेवल पे अगर आपने इसकी ऑरिएंटेशन के बारे में कुछ समझनी है तो आपको अभी हमने रिसेंटली ऑरिएंटेशन क्लास की थी उसमें आपको चीजें मिल जाएंगी, लेकिन अभी शॉर्ट टाइम में इसको डिटेल में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको 1 by 1 बताऊं कि आप ऐसे को किन किन वेज में स्टार्ट कर सकते हैं फिर आप उसको कंक्लूड किस तरह कर सकते हैं, ठीक है जी। एनीवन लेफ्ट, चलें गुड लक टू ऑल ऑफ यू, इंशाल्लाह सी यू सून। आप लोग सिर्फ आर्किटेक्ट से आप लोग कॉन्टेक्ट करके आप सेशन के हवाले से बाकी जो भी चीजें उनके हवाले से आप डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई होप दिस इन प्रैक्टिस सेशन विल बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू, और इवन आपको ये कम से कम एक डायरेक्शन दे देगा कि आपने क्या क्या चीजें तैयार करनी है। मैं एडमिन को कह दूंगा कि वो आपके साथ स्लाइड शेयर कर दे ताकि आप उन एरियाज को कवर करके अपने पैसे के पेपर को सिक्योर कर सके। थैंक यू, थैंक यू।
अल्लाह हाफिज़।